तो आखिरकार ज्योतिका दिलैक ने क्या बात करी है दोस्तों रुबीना दिलैक से। फाइनली ज्योतिका दिलैक ने अपने ऑनेस्ट ट्वीट में ये सारी बात की जानकारी दे दी है और मैं राहुल भोज आपको पढ़ के ये सारी बातें बताऊंगा। स्वागत है आपका फीफा फूल्स में। बता दूं आपको दोस्तों रुबीना दिलैक की एक बड़ी बात, बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। रुबीना दिलैक की एक बड़ी बात, वो कहती है ना कि मैं अपने फैंस की सबसे बड़ी वाली फैन हूं, तो ऐसे में वो सिर्फ यहां पर ही नहीं कहती, वो बल्कि दोस्तों आपको बता दूं अपनी सिस्टर के सामने भी कहती है। ज्योतिका दिलैक घर में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, जो कि हम आज एक्सटेंसिव वे में देखेंगे, वीकेंड का वार नहीं होगा, ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। अब आपको बता दूं दोस्तों, तो ज्योतिका दिलैक कहती है, आई सेड यू आर प्लेइंग सो वेल लाइक अ लायनेस, योर फैंस आर लाइक Your fans are there behind you, standing like a huge army. She said, I am biggest fan of my fans. They have always been there for me, though thick and thin. अब तो मैं भी रूबी दी के फैंस की फैन हो गई हूँ, जब रुबीना मैट ज्योतिका। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से रिएक्शन दे दिया है ज्योतिका दिलैक ने और बोल दिया है कि रुबीना के साथ मेरी क्या क्या बातचीत हुई है वो ये है। दोस्तों आपको बता दूं तो रुबीना दिलैक घर के अंदर दो कड़े उद्देश्य के साथ आई है, एक एंटरटेनमेंट का उद्देश्य है, ट्रॉफी की वो कभी बात ही नहीं करती, जिक्र नहीं करती, ट्रॉफी किस्मत में लिखी, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। दूसरा, वो फैंस की फैन बन जाएंगी, वो फैंस की फैन है और फैंस की फैन ही रहेंगी। तो ऐसे में दोस्तों ज्योतिका ने तो यहाँ पर घर के अंदर क्या क्या बात हुई सारी हमें बता दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि उन्होंने डिवोर्स वाली बात को भी छेड़ा है और इस चीज को भी रखा है कि अभिनव के क्या चीकू चीकू जीजू के कुछ ऐसा नाम लिया उन्होंने, उनके पिताजी और माताजी थोड़े से अपसेट थे इस बात को लेकर। आपको क्या है कहना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। चलता हूं मैं।